गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के सदस्यों ने एक घायल नंदी का उपचार कर उसे अपनी निगरानी में रखा है। नंदी के घायल होने की सूचना समिति के दीपक यादव को मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और उसका उपचार शुरू करवाया। घायल और बीमार गोवंश का उपचार करने हाउसिंग बोर्ड और घासीदास नगर के गौ सेवकों द्वारा गौ सेवा प्रभु सेवा समिति का गठन किया गया है। समिति सदस्य इस कार्य को पूर्णतया निशुल्क और निस्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में समिति पदाधिकारी दीपक यादव को एक नंदी के घायल होने की सूचना मिली, जिसके बाद वे अपने पास मौजूद संसाधनों को लेकर मौके पर पहुंचे और घायल गोवंश का उपचार किया और उसके पैर में भरे कीड़े को निकाला गया। उपचार उपरांत समिति द्वारा नंदी को अपनी निगरानी में रखा गया है। गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के अध्यक्ष मंजू सिंह और दीपक यादव ने नंदी के उपचार को लेकर जानकारी दी। जय गौ माता, जय श्री राम। कल सूर्यकुंड के पास हम लोग को जानकारी मिला कि एक नंदी महाराज का बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जैसे ही मतलब पता चला, हमारे दीपक यादव को तुरंत अपनी टीम के साथ पहुंचे और नंदी महाराज का उपचार किए और हमारी टीम पूरी निगरानी में है। हम गौ सेवा प्रभु सेवा से मंजू सिंह। गौ माता, मैं दीपक यादव, गौ सेवा प्रभु सेवा समिति। कल जानकारी मिला सूर्यकुंड हाउसिंग बोर्ड के पास एक नंदी महाराज को ज़्यादा चोट लगे तथा खून बह रहा है। मौके पर पहुँच कर देखा गया, वह पुराना घाव था तथा घाव में कीड़े पड़ गए थे। हमारी टीम ने नंदी महाराज को उपचार शुरू किया तथा कीड़े को बाहर निकालकर नंदी महाराज को उपचार शुरू कर दिया गया तथा नंदी महाराज को निगरानी में रखे हैं। जल्द ही ठीक होने की उम्मीद करते हैं। कल के सेवा कार्य में हमारी टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय गौ माता। गौरतलब है कि समिति द्वारा गौ पालकों की सूचना पर उनके निवास जाकर निशुल्क रूप से घायल अथवा बीमार गौवंश का उपचार किया जाता है। समिति द्वारा अपने सीमित संसाधनों से गौ सेवा के कार्य को जारी रखा गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।